कुमाऊं में साइबर क्राइम के मामले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, जिसके बाद कुमाऊं से 15-15 सदस्य की दो पुलिस टीमें रवाना हुई, जो सात राज्यों में दबिश देकर 241 मामलों के 360 आरोपियों को दबोचने का काम करेंगी। सभी आरोपी नैनीताल और यूएस नगर जिले में हुई साइबर ठगी के मामलों में वांछित हैं। आपको बता दें कि टीम में निरीक्षक पूरन राम आगरी के नेतृत्व में 5 SI और 5 हेड और 8 कांस्टेबल शामिल रहेंगे, जो कि बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के लिए रवाना हुई हैं। वहीं दूसरी टीम निरीक्षक नीरज चौधरी के नेतृत्व में 6 SI और 9 कांस्टेबल के साथ यूपी, राजस्थान, हरियाणा के लिए रवाना हुई है। दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। ये पिछले कुछ समय से हमने जैसे 2022 के वो पूरे जो क्राइम हुए हैं कुमाऊं रीजन में, तो उसका आकलन किया, तो इससे देखने को आया कि 50% से ज़्यादा जो केसेस हो रहे हैं वो आईटी एक्ट के हो रहे हैं, आईपीसी में कुल। तो सबसे ज़्यादा बड़ी चुनौती अभी जो पुलिस के सामने है वो साइबर सबसे बड़ी चुनौती है। तो इसमें दिक्कत यह है कि जो साइबर ठग है ये भारत के अलग अलग कोनों में बैठे होते हैं, इनकी आइडेंटिटी खोजना, केस को वर्कआउट करना, ये एक बड़ा मुश्किल काम है।